कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही प्रतिज्ञा यात्रा का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूंछ में किया गया स्वागत। जिला झांसी के मूल तहसील में 23 अक्टूबर को जिला बाराबंकी के जयपुर में प्रारंभ होकर होगनीपुर उड़ई होते हुए आज तहसील मोड के पूंछ में पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिज्ञा यात्रा की अगुवाई में काफी भव्य स्वागत किया गया। कल दिनांक 1 नवंबर को मिला जिला झांसी में प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। गरोठा भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद ब्रजलाल खबरी के द्वारा बताया गया कि हरक खेल के मैदान में, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर चारों जोनों से अलग अलग रवाना किया गया। उनके साथ प्रतिज्ञाओं में पहली घोषणा कर चुकी हैं वे उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव की सीटों पर टिकट देगी। महिलाओं के लिए विशेष पैकेज, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान करने जैसी 6 अन्य प्रतिज्ञाएं होने का अनुमान है। संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या है कुछ मामला और चुनावी क्या मुद्दे हैं? एक पूछो यार, दो इकट्ठे नहीं। यात्रा का मतलब है हमारी ये प्रतिज्ञा यात्रा है और ये हम चले हैं 23 तारीख को। 23 तारीख से घूमते घूमते आज हम आपके पूंछ में खड़े हैं। आदरणीय प्रियंका जी ने एक शपथ ली है, प्रतिज्ञा ली है कि अगर हमें मौका मिलता है सरकार बनाने का, आप लोग सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो हम इस प्रतिज्ञा के तहत 40% महिलाओं को टिकट देंगे। पहली प्रतिज्ञा। दूसरा, जो हमारी बहनें हैं इंटर पास करेंगी उनको हम एम्ब्रॉयड फ़ोन देंगे, जो डिग्री पास करेंगी वो उनको हम ई स्कूटी जो हमारे बिना पेट्रोल की है, क्योंकि पेट्रोल के रेट तो 121 हो गए हैं, तो उसको ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। तीसरा, जो साल भर से किसान संघर्ष कर रहा है और ये बहरी गूंगी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्रियंका जी ने कहा कि आने वाले टाइम में अगर सरकार बनती है तो 2,500 रुपये गेहूँ और 2,500 रुपये धान, ये दोनों के हमने तय कर दिए हैं कि 2,500 रुपये कुंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे। आज की तारीख में 1,700-1,800 लेते हैं ये, और 7,500 रुपये का वो दे रहे हैं। पता है 75 रुपये का आधा किलो गेहूँ बेच रहे हैं, एक पैकेट में देखा होगा आपने, 75 रुपये का आधा किलो, तो कितना हुआ वो 7,500 कुंटल, 7,500 रुपये हुआ ना। तो इस तरीके से नहीं, वो तो 1,400 हो रहा है, 14,000 हो रहा है। तो आज हमारी ज़रूरत है किसान की कि MSP की लड़ाई जो लड़ रहे हैं साल भर से, लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि सरकार में आते तो हम MSP पहले ही से कह रहे हैं 2,500 रुपये गेहूँ और धान खरीदेंगे, 400 रुपये प्रति कुंटल गन्ना खरीदेंगे। इसके बाद कोरोना के दौरान जो लोग ख़त्म हो गए, जिनके परिवारों में परेशानी है, उनको हम 25-25 के हिसाब से देंगे, और जो लोग बीमार हो जाते हैं जिनकी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उन परिवारों को हम सहयोग करेंगे। सरकार बनने पर बिजली का हाफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। इस तरीके की जो 7 हमारी घोषणाएं प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं को हम निभाएंगे, यानी कांग्रेस निभाएगी। याद होगा आप लोगों को कि जब कर्ज माफ़ हुआ था तो उस समय भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और 80,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने कांग्रेस ने माफ़ किया था। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में ज़रूरत है, चाहे वो रोजगार के लिए लड़ रहा हो, रोजगार के लिए 20 लाख रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, ये प्रियंका जी ने बोला है। इन परिस्थितियों को देख के जो हम रथ में चल रहे हैं, जगह जगह आप लोगों के बीच में हम बात कर रहे हैं, आपके साथ हम यही कहेंगे कि आप सबको दिखाएं, सबको समझें। हमारा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँच रहे हैं।